लाडवा विधानसभा क्षेत्र में बसी विभिन्न कॉलोनियों शंकर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी व किशनपुरा में पानी निकासी की समस्या बनी है, जिसको लेकर यहां रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लाडवा में अब कांग्रेस के मेवा सिंह विधायक हैं। भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को जारी रखते हुए अधिकारियों के साथ क्षेत्र में चल रही पानी निकासी की समस्या का जायजा लिया। सामने आया आज ये जो इन कॉलोनियों का है जो निकासी के बारे में समस्या लेकर विधायक जी ने आज हमारे को बैठक में बुलाया, जिसमें पब्लिक हेल्थ के हैं, सरस्वती के हैं, सभी एक्सपर्ट ज्वाइंट यहाँ फील्ड विजिट के लिए बुलाया है। और फील्ड में अक्सर ये देखने की बात यह है कि पानी की आगे निकासी नहीं है प्रॉपर, और उस निकासी के समाधान के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक फील्ड विजिट की जा रही है, जिससे ये कि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने और प्रॉपर इन लोगों का समाधान हो। और विधायक जी ने आश्वासन दिया है, देखो अगर प्रॉपर इसकी कोई अलाइनमेंट या कंटूर अलाउ करते हैं, प्रॉपर कुछ बनता है। आपका पूरा पिच है कृष्ण कुमार एक्शन इरीगेशन। पवन सैनी ने पहले 5 साल में कोई काम नहीं किया जी, सिर्फ भाई भतीजावाद और जात पात की नीति राजनीति करी है उसने, और अब नंबर बनाने के लिए लाड रोड पे घूम रहा है जी। और जो 5 साल में नहीं कुछ कर पाया विधायक होने के बावजूद, अब विपक्ष में चुपचाप बैठना चाहिए, जनता ने उसको नकार दिया है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खाना पूर्ति और नंबर बनाने फोटो तक की राजनीति पीछे की है ना, सिर्फ फोटो तक की राजनीति में सीमित रहता है। आपको नहीं लगता कि गणेश कॉलोनी में पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, आज विधायक दौरे कर रहे वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति हुई, इतने लाख की ग्रांट दे दी, इतने लाख की ग्रांट दे दी, और लाडवा रोड पर फोर लाइनिंग बनाने का पत्थर लगा हुआ है जो 4 साल से धूल फांक रहा है, और फोर लाइनिंग का कोई कार्य नहीं हुआ, और ये आपके सामने लट्टे लगी हुई हैं, दुआली भी जाली है, और ये अब ग्रहण का मेला भी जाली आ, और इनके जो हर साल ये जयंती मनाते हैं वो भी ऐसी जाली, और लाडो रोड पे लट्टे हैं ऐसी धूल फांक रही है। तो हम क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि लाडो रोड पे विकास हो और ये लट्टे जलाई जाएं, जो सफेद हाथी बनकर आएगी। जो पूर्व विधायक फिरे रहे हैं तो क्या इन्हें काम नहीं कराया? पूर्व विधायक ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कागजों में काम किया, मौके पे कोई तरह से कोई काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? हुकम चंद देसवाल। दरअसल हमारा जो जीटी रोड से लाडवा की तरफ हमारा किशनपुरा से इधर जो है नीलकंठ कॉलोनी है, गणेश कॉलोनी है, सिद्धरगा कॉलोनी है, शंकर कॉलोनी है, ये सारी जो हमारी कॉलोनी है हमने पानी की पाइपलाइन देने में डलवा दी है। जो हमारी गलियां थी अब जो है ना समस्या ये है, हमारी ड्रेनेज की समस्या है, हम निकासी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, ना तो हम सरस्वती में डाल सकते, और इधर जो है ना राक्षी दूर पड़ती है वहाँ भी डाल सकते हैं एनजीटी के कारण जो है। अब उसी के समाधान ढूंढने के लिए हमारे अक्सर साहब इरीगेशन के पब्लिक हेल्थ के सारे हमारे अधिकारी उनको साथ लेकर के मैं आज आया हूँ कि कोई समाधान निकालें, जिससे भाई कोई एसटीपी करके या जो है ना या किसी और नाले में डालें, तो उसी चिंता के नाते आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं अभी यहाँ कोई समाधान हो सके। तो कब तक समाधान होने जाए? पहले उसका जो है कोई सोल्यूशन मिलेगा अभी यहाँ डाल सकते तभी समाधान सोचा जाएगा। मान लीजिए अगर पता लग जाए भाई ये करना है, जितनी ये पता लगे अभी ये करना है, तो फिर तो समाधान में तो कुछ ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। अब तो ये देख रहे पानी निकाले कहाँ, अच्छा फिर ना यहाँ कोई पौंड है कोई इस कॉलोनी में हमारे पिपली पंचायत में, अगर कोई यहाँ पर पौंड हो फिर तो उसके अंदर पानी सारा हम ले जाएँ नालों के जरिए, और फिर वहाँ पानी और फ्लो ना हो उसके लिए हम जो है ना कोई माइक्रो इरीगेशन कोई सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जैसे मेरे हल्के के अंदर जीरबड़ी के अंदर किशनगढ़ में बीड़ मथाने में लगा है, वो भी नहीं है, तो उसका सारे का समाधान ये बड़ी विकट समस्या इस इलाके के अंदर उसकी चिंता के नाते। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।